नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल। सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कब्ज या पेट साफ ना होना। देखो, ये जो कब्ज जो होता है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, बहुत सी कॉमन परेशानी हो गई है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी दवाई, नहीं तो होम्योपैथिक दवाई, नहीं तो घरेलू उपचार, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद और खुद भी डॉक्टर बन के घरेलू उपचार बहुत करने के बाद भी उनको इस कंडीशन से क्या नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है, और वो लास्ट में आयुर्वेदिक के तरफ। वो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको ये जो कोई वीडियो देखकर, नहीं तो उनके जो आसपास के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए बहुत रामबाण मेडिसिन है, मांग के खा लो। तो ये जो व्यक्ति क्या करता है, उस मेडिसिन का नाम लिखता है और जाके जो स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर में जाके उस नाम बोल देता है, और वो लोग क्या करेंगे, मेडिसिन उठा कर दे देते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है, इसी का सेवन करता है। तो जब वो सेवन करता है तब उसको क्या है कि उस कब्ज से उसको छुटकारा तो मिलता होगा। किसी किसी को छुटकारा मिल जाता है, किसी किसी को छुटकारा मिलने के बजाय उनको जो परेशानी होती है उससे उसको बढ़ जाती है। हर एक लोग एक एक प्रकृति के होते हैं, तो उनकी जो प्रकृति देखकर ही हम एक क्या वैद्य क्या करता है, मेडिसिन का निश्चय करता है। सभी मेडिसिन एक आदमी को नहीं दिए जाते, तो उनकी प्रकृति, उनके बल, उनके रोग, उनके कंडीशन को देखकर ही एक वैद्य निश्चय करता है कौन सा मेडिसिन किसको दिया जाए। तो वैसे मेडिकल स्टोर में उसका नाम बोल के वो खाने से किसी को वो असर करता है, किसी को असर करने से बजाय उनको बहुत से नुकसान भी पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम कैसे इस कब्ज को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, कि हम कब्ज को कैसे जड़ से हटा सकते हैं। ये जानने के लिए अब ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहली बात, आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है? तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति, जो हेल्थी पर्सन होता है, वो एक दिन में या 24 घंटे में एक बार या दो बार तो वो पास स्टूल पास करता ही है। तो अगर उसके बजाय अगर कोई कंडीशन, कोई रोग उनको पीड़ित करती है, तो उनके जो डेली जो 1 or 2 times में हमने बोला है, अभी एक बार या दो बार बोला है, उसमें उनको अल्ट्रेशन पाया जाएगा। कभी कभार वो एक दिन पूरा नहीं जा सकेंगे, 2 दिन तक नहीं जाते हैं, कोई लोग तो ऐसा है 3 दिन तक भी नहीं जाते हैं। और जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको क्या होता है, हार्ड स्टूल्स पाए जाते हैं, बहुत ही तकलीफ़ होती है उनको जब स्टूल पास करने में, दर्द आता है, नहीं तो वो ड्राई है, एकदम ड्राई स्टूल आता है, स्टिकी स्टूल आता है, कभी कभार स्टिकी होता है, फ्लश करने के बाद भी उनको क्या है कि स्टूल के जो अंश होते हैं वो उधर पाए जाते हैं, तो बॉडी में रुक्षता बढ़ जाती है, इसलिए उनको क्या होता है, एकदम हार्ड स्टूल्स आते हैं। तो हार्ड स्टूल्स आने पर उनको क्या होता है, उस एरिया में उनको क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको स्टूल पास करने के लिए बहुत सा प्रेशर देना पड़ता है। तो ये तो नेचुरल, ये जो स्टूल पास जो करते हैं वो तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जल्द जल्द आ जाता है, लेकिन ऐसे भी वो जो लोग होते हैं जिनको प्रेशर डालना पड़ता है, उस प्रेशर के कारण उनको दर्द भी होता है। और ऐसे ही बहुत लोग हैं जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, जो स्टूल पास करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा और उनके स्टूल पूरी तरह उनको क्या नहीं हुआ, इवैक्यूएट नहीं कर पाया है, स्टूल और भी बचा हुआ, ऐसी फीलिंग आता है उनको, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो ये सब जो कंडीशंस होते हैं, हम उसके क्या बोल सकते हैं, उसका कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है बोल सकते हैं। इन सब लक्षणों को देख कर, इन सब कंडीशंस को देख के हम बोल सकते हैं उस व्यक्ति को कब्ज है। जो उनकी मल प्रवृत्ति होती है वो अब नॉर्मल होती है, उतनी नॉर्मल नहीं होती, जैसे मैंने अब ऊपर अपने इतना सारा पॉइंट बताया है उनको, उससे हमें ये पता चलता है उनकी जो मल प्रवृत्ति होती है, मल का जो प्रवृत्ति होती है वो नॉर्मल नहीं है।
सही से अगर जो स्वस्थ पुरुष होता है, जो हेल्थी पुरुष होता है, उनके स्टूल कैसे होते हैं, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उनको क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे कि उनको जल्द से जल्द स्टूल पास कर सकते हैं, कोई दर्द नहीं होता उनको पास करने में, और उतना हार्ड भी नहीं होता है, कोई दुर्गंध जो स्मेल नहीं होता है, फॉल स्मेल जो होता है वो नहीं होता है, और जो ये प्रोसेस होता है वो सुखपूर्वक होना चाहिए, इसी से हो जाना चाहिए। मैंने बोला था ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये सुखपूर्वक हो जाना चाहिए। तो ऐसा माना गया है कि अगर सुबह सुबह आपका पेट अगर साफ है तो आपका मन भी बहुत खुश रहता है, आपको जो जो काम आप करते हो उसमें भी बहुत इच्छा आती है, मन लगता है। अगर सुबह सुबह ही आपका पेट अगर साफ नहीं है, आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो आपका मन भी खुश नहीं रहेगा, और जो काम में आप फोकस करते हो वो काम भी ढंग से नहीं होता है, आपको इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, टायर्डनेस फील होती है। तो ये सब है जो अब जो नॉर्मल प्रोसेस, जो मल को बाहर जो निकालना होता है, अगर नहीं निकलता है तो भी वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। इतना छोटी बात अगर हमें इतना बड़ा रोग, इतना बड़ा कंडीशन में ला पहुंचा सकती है, तो हमें अपनी देह का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर मल सही से नहीं गया तो आपको बहुत भारीपन भी महसूस होता है। तो मैंने जो पहले बोला था, ये जो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो जाके स्टोर में जाके मेडिसिन से मेडिसिन लेके आते हैं और वो खाते रहते हैं, तो उनको ये ना पता होता है कि कितने दिन ये मेडिसिन खाना चाहिए, तो खाते रहते जब 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 तक उनका जो वो जो रोग होता है, वो जो कंडीशन होता है, वो अगर जब तक नहीं ठीक होता तब तक वो खाते रहते हैं। और जब वो खाते रहते तब उनका ठीक रहता है, जब वो बंद कर देते तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो उनको ये ना मालूम है कि उसका जड़ जो रूट होता है, उसका रूट कारण क्या होता है, किन कारणों से उनको ये जो कब्ज की बीमारी हो रही है, या कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा आहार है, कौन सा विहार है जो वो कर रहे हैं, तब उनका जो ये कब्ज की जो बीमारी है वो पैदा हो रही है। तो हमें जो कॉज है, जो जड़ से जो कारण होता है, उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। हमारा आयुर्वेद में ऐसे बोला है, जो निदान होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे जो निदान, किन कारणों से हमें एक डिसीज़ आती है, एक रोग आता है, तो उसको हम ना करें, नहीं तो उसका सेवन, आहार, ऐसे आहार होते हैं तो आहार का सेवन ना करें, ऐसे विहार होते हैं तो विहार का सेवन ना करें। तो निदाना जो है, कॉज जो है, उसको बहुत सा अहम रोल हमारे आयुर्वेद में दिया गया है। तो हम जानते हैं थोड़े से कारण, किन कारणों से हमें कब्ज़ में बोलूँ, कब्ज के मेनली दो कारण मैं बता सकता हूँ। पहला जो कारण है वो अग्नि है, अग्नि में बहुत सारे अग्नि होते हैं, जो जठर अग्नि है उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका कम हो जाना। दूसरा मैं बोलूँगा वायु का प्रकोप होना, वायु प्रकोप होना। वायु क्या है, वात है, तो हमारे जो शरीर में वात दोष का बढ़ जाना। देखते हैं हम दोनों कॉज को डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो मैंने बोला जठर अग्नि, अग्नि, अग्नि की क्षमता, अग्नि की जो स्ट्रेंथ होती है कम हो जाए। आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है जहाँ पे फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी, डेयरी फूड्स ने हमारे जो पारंपरिक जो फूड थे उसकी जगह ले ली है। आजकल के बच्चे जो ऐसे फास्ट फूड के पीछे भाग रहे हैं, तो उसी से हमारे जो ये जो रोग की उत्पन्न हो रही है। उसके अलावा द स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स और टी, कॉफ़ी, उनका ज़्यादा सेवन करना, तो ये सब हमारे अग्नि और हमारे जो पाचन शक्ति को कम करने में मदद करती है। इन सभी चीज़ों का सेवन करने से हमारी जो पाचन शक्ति है वो ख़राब हो जाती है, और हमारे आहार में जो बदलाव आए हैं, उसके अलावा जो हम बाहर से खाना खाते हैं, तो हमें विरुद्ध आहार बहुत से मिलेंगे, जो दो आहार हम एक साथ नहीं खा सकते, ऐसे बहुत सारे हमें आहार मिलेंगे। तो हमारे जो आयुर्वेद में उसको विरुद्ध आहार बोला गया है, तो विरुद्ध आहार का सेवन भी हमारे पाचन शक्ति को ख़राब करती है, और हमारे जो अनटाइमली फूड होते हैं, जो खाना समय पर ना खाना, कभी 1 बजे खाते दोपहर का, कभी 4 बजे खाते, कभी 10 बजे खाते, तो उसमें क्या होता है, टाइम जो ख़राब हो जाता है, अनटाइमली फूड होता है, तो वैसे भी नहीं हमको टाइमली फूड खाना चाहिए। और अगर हमको जो हमारा जो फूड है वो बहुत टेस्टी रहता है तो हम ज़्यादा खाते हैं, अति मात्रा में खाते हैं, अगर टेस्ट नहीं है तो कम मात्रा में खाते हैं, तो ये सब हमारे गठन क्या होती है, हमारे देह की जो पाचन शक्ति होती है उसको
क्या करते हैं, उसको वो इफेक्ट लेके आती है, उसको ख़राब करती है। तो जब पाचन शक्ति खराब हो जाती है तो हमारे ऐसे सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैंने पहले ही बोला है कॉन्स्टिपेशन का जो मुख्य कारण, कोई भी जो डिसीज़ होती है, अधिकतर डिसीजेस हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है। तो हमारी अग्नि होती है, अगर वो अग्नि कम है, मांद्य अवस्था में है, अग्नि मांद्य अवस्था में है, तो उसमें क्या होती है, जो भी हम खाना खाए कितना भी टेस्टी हो, जो भी हम खाना खाते उसका सही से पचन नहीं होता, तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, वो उधर ही पड़े रहता है। तो हम ऊपर से ऊपर खाते रहते हैं, वो बाहर निकलता भी नहीं है। तो वैसी अवस्था आ जाती है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में रहता है और वो आम पैदा करती है। जो वो आम होती है कई जगह जाकर वो क्या करती है, उधर की जो दोष होते हैं दोष को विकृत कर देता है, उसको प्रकोप करता, दूषित कर देता है। तो उसी के साथ कई रोगों का जन्म उधर ही हो जाता है। अगर हमारे पेट से जो हम फूड खाते हैं वो हमारे पेट साफ ना रहता है, तो अगर हमारा पेट साफ ना रहे तो वो कई और डिसीज़ को भी पैदा कर सकता है। जैसे कि हुआ पाइल्स हो जाता है, तो जो खाते हैं वो अगर बाहर नहीं जाए तो उधर वायु का प्रकोप होता है, उसी से हमें गैस पैदा होती है, एसिडिटी आती है, गैसिड रिफ्लक्स आता है। तो ऐसे कई बीमारी है जो हमारे छोटे से छोटा जो हमारी जो अग्नि होती है, छोटे से छोटा जो अग्नि है, उस अग्नि की जो स्ट्रेंथ नहीं तो उस अग्नि की क्षमता जब नीचे हो जाती है तो उसका पचन नहीं होता, जब पचन नहीं होगा तो बाहर निकलने में मुश्किल हो जाती है। अगर बाहर नहीं निकलता है तो उधर क्या होता है, कब्ज आती है, पाइल्स आता है, तो उधर वायु प्रकोप होता है, उसी के कारण हमारे कई अन्य जो रोग मैंने बोले हैं वैसे पैदा हो जाती है। तो इन छोटे से कारण से हमें बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, तो उसको जानना और उसको सही से इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मॉडर्न में इसका जो कॉज में थोड़ा और एडिशन लेके आया है, जैसे कि हमारे जो खाने में अगर फाइबर का जो क्वांटिटी होता है वो अगर कम होता है तो उससे भी क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है। अगर कोई नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, उधर से भी आपको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकता है। ऐसे 2-3 4 उन्होंने कॉज बताए हैं मॉडर्न की तरफ से। तो हम ये वीडियो उतना लेंथी नहीं लेके जा रहे, तो इसलिए हमने ये दो जो वीडियो है कब्ज के ऊपर जो है उसको दो भाग में बांटा गया है। तो अगले जो अगले भाग है उसमें हम ये सारे जो टॉपिक आप देख रहे हैं इस इमेज में, वो सारे टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाया था, मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्या कर सकता हूँ जो आई बटन में डाल सकता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा जब टाइम मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगर अच्छा लगे कंटेंट तो सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।